बुझते बुझते भी जालिम ने अपना सर झुकने न दिया, भूल गई है सांस हवा की एक चिराग बुझाने। सितम रसीदा है हिंदुस्तान में उर्दू, इसी जबान में हिंदुस्तान ज्यादा। वाह 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 वाह। आसमान अदब पर अपने इल्म फन की रोशनी बिखेरने और गेसुए उर्दू को सजाने संवारने वालों की एक तवील फहरिस्त है। इन्हीं बेमिसाल हस्तियों में एक नाम है प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी। वैसे तो दुनिया मुजफ्फर हनफी को एक शायर के तौर पर जानती है, लेकिन वो एक नब्ज़शीनास शायर होने के साथ साथ बाशऊर अफसाना निगार, अदबी रिवायत का गहरा इदराक रखने वाले नक़ाद और कामयाब मुतरजिम भी थे। मुजफ्फर हनफी यकफने नहीं थे गालिब की ज़बान में अगर कहूँ, बल्कि उनकी शख्सियत बड़ी हमजहद थी। और एक तरफ वो बालिग नज़र नक़ाद थे, दूसरी तरफ उन्होंने बच्चों के लिए भी अदब तख्लीक किया, और तीसरी तरफ उन्होंने ताजिम की दुनिया में भी कदम रखा और अंग्रेजी के बहुत सारे फनपारों का तर्जुमा उन्होंने उर्दू में किया। मोहम्मद अबुल मुजफ्फर तकल्लुस हनफी, उर्दू दुनिया उन्हें प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी के नाम से जानती है। उन्होंने 1 अप्रैल 1936 को खंडवा मध्य प्रदेश में अब्दुल कुद्दूस सिद्दीकी और सैयदा खातून फातिमा के घर आँख खोली। उनका आबाई वतन हसवा फतेहपुर उत्तर प्रदेश है। इब्तदाई तालीम खंडवा, ईरानिया और हसवा ज़िला फतेहपुर यूपी में हुई। 9 नवंबर 1959 को उनकी शादी सैयद अहमद काज़मी की साहबजादी आसिमा खातून से हुई। उनकी 7 औलादें हुईं, 6 बेटे और 1 बेटी। एक बेटा रूमी विरादत के सिर्फ 40 दिन बाद रहलत कर गया। माशी हालात के सबब हुसूल तालीम में कई रुकावटें आईं, लेकिन किसी तरह उन्होंने तालीम का सिलसिला जारी रखा। 1960 में मध्य प्रदेश महकमे जंगलात में मुलाजिम होकर भोपाल मुंतकिल हो गए। इसी मुलाजमत के दौरान उन्होंने जामिया उर्दू अलीगढ़ से BA और बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से MA, LLB और PhD की डिग्रियाँ हासिल कीं। उनकी तहक़ीक़ का मौजू शाद आरफ़ी, शख्सियत और फ़न था। उन्हें शाद आरफ़ी से तलम्मुज़ भी हासिल था। सबसे ज़्यादा जिस शायर का कलाम मुझे पसंद आता था वो शाद आरफ़ी थे। शाद आरफ़ी के कलाम में एक तीखापन और तंज़िया उन्सुर के साथ साथ बात कहने का बिल्कुल अनोखा लहजा था, जो उर्दू शायरी के ना क़ुदमा में था, ना मुतवस्सितीन में था, ना अहद हाजिर के शुआरा में था। उन्नीस में वो जामिया मिलिया इस्लामिया के शोबे उर्दू से बहसियत रीडर वाबस्ता हुए और 1989 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने उन्हें इकबाल शेर प्रोफेसर की हैसियत से फाइज किया और यहीं से 2001 में वो वजीफ़े हुस्न खिदमत पर सबकदोश हुए। मुजफ्फर हनफी एक हमजहत शख्सियत थे। उन्होंने शायरी से पहले अफसानवी अदब में अपने कलम के जौहर बिखेरे। उनके अफसाने तरक्की पसंद रिवायत से करीब हैं। उनके तख्लीक करदा किरदार क़ारीन के जहनों पर गहरे नखूस छोड़ते हैं। इन अफसानों की नुमायाँ खसूसियत तंज की काट है। सन 1950 से लेकर सन 62 तक ये 12 साला दौर है जब उन्होंने अफसाने लिखे, और इस दौर में 3 मजमुए उनके सामने आए, ईंट का जवाब, 2 गुंडे और दीदे हैरां। ये तीनों मजमुए जिसमें तकरीबन 54 या 55 अफसाने हैं। एक तरफ तो ये अफसाने तरक्की पसंद अफसानी की जो रवायत थी, जिसका आगाज़ प्रेमचंद से होता है और समाजी हकीकत निगारी जिसका सबसे बड़ा वस्फ है, उससे करीब हैं ये अफसाने। शायरी में उनका रुझान जदीदियत की तरफ मायल नज़र आता है। बरजस्तगी, तंज की काट यहाँ भी मौजूद है। उनकी शायरी पर उनके उस्ताद शाद आरफी का गहरा असर नज़र आता है। मुजफ्फ़र हनफी साहब ने अपना जो शेरी उसलूब तैयार किया था वो तरक्की पसंदों को भी रास आता था और जदीदियत पसंद जो लोग थे वो भी उन्हें पसंद करते थे। पूरी शायरी उनके आप देखिए, उनके यहाँ फिर वो शायरी में भी वो नश्तरियत आई है, वही लहजे की काट, वही धार, वही बरजस्तगी शायरी में भी उनके यहाँ हमें मिलती है। उनकी शायरी के अवसाफ और महासिन और खूबियों पर गुफ्तगू करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि जिस तरह से उनका अफसाना तरक्की पसंद अफसाने से करीब है, इसी तरह से उनकी शायरी जदीद शायरी से करीब है। लेकिन 60s के करीब जब वो जदीदियत की लहर आई, और वो भी मेरा ख्याल है जदीदियत की लहर जब उन्होंने हिंदुस्तान में, आपको ये बताते चलूँ कि पहला जदीद तर्ज का जो रिसाला निकाला वो हमारे वालिद मोहतरम ने 1958 में खंडवा से जारी किया, नए चिराग। मुजफ्फर हनफी एक कामयाब मुतरजिम भी थे। उन्होंने कई हिंदी और अंग्रेजी तख्लीक़ात का उर्दू में तर्जुमा भी किया। तालिब इल्मी से ही उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी थी उसमें तख्लीक और तर्जुमा और इन सब चीज़ों की तरफ उनकी तवज्जो रही। तो पहले तो वो मुतरजिम की हैसियत से सामने आए और उन्होंने बहुत से नावलों के तर्जुमे किए, अंग्रेज़ी नावलों के, अगाथा क्रिस्टी वगैरह के तर्जुमे, बहुत अच्छे तर्जुमे उन्होंने किए। बच्चों का अदब तख्लीक करना एक मुश्किल अम्र है। मुजफ्फ़र हनफी ने इस सिमत भी अपनी तवज्जो मरकूज़ की। अक्सर बड़े अदीब व शायर इस जानिब बहुत कम तवज्जो करते हैं। मुजफ्फ़र हनफी ने बच्चों के लिए भी लिखा, कहानियाँ लिखी, नज़में लिखी, और एक तरह से अदब अतफाल के नुक़्ते नज़र से भी उनका एक बहुत अहम मुकाम है मुजफ्फ़र हनफी का। उनकी कई तसानीफ अदबी हलकों में न सिर्फ कदर की निगाह से देखी जाती हैं बल्कि कई किताबों को इनामात से भी नवाजा गया। वो बसियार नवीस वाक़े हुए थे। हर साल उनकी एक किताब ज़रूर शाये हुआ करती थी। उस तख्लीक़ात की पहली किताब मंज़र-ए-आम है, 17 साल की उम्र, और उस ज़माने से जो कलम उठाया तो 120 किताबें उर्दू अदब को देखेगा, 120 किताबें और 1800 से जायद गज़लें। हमने तो जब पापा को देखा रात को नींद खुली तो टेबल पे बैठकर तख्लीक कर रहे हैं, कभी मजमून लिख रहे हैं, कभी कोई किताब पढ़ रहे हैं, कभी शेर कह रहे हैं। पापा ने और नारंग साहब ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था NCPL की तरफ से, वजहाती किताबियात। तो वजहाती किताबियात वो NCPL थे। पापा और गुप्त नारंग जब तक दोनों जामिया में थे तो उसके 3 वॉल्यूम, वो 1976 से लेके सन 2000 तक तकरीबन टोटल 22 वॉल्यूम उसके आए हैं वजहाती किताबियात के, और ये सारे NCPL ने शाया किए हैं। उनकी शख्सियत का हर पहलू लोगों को चौंका देता है। एक अच्छे तख्लीकार तो वो थे ही, साथ ही एक दर्दमंद दिल रखते थे। शागिर्दों और हमवतनों की वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते। क्लर्की के ज़माने से उन्होंने अपना प्रोफेशन शुरू किया और प्रोफेसर इकबाल चेयर के अहदे से रिटायर हुए। हमारे घर में तकरीबन 9 और 10 अफराद को तो मैं जानता हूँ जो रह चुके हैं हमारे घर में। कोई हमारे यहाँ 18 साल रहा, कोई हमारे यहाँ 10 साल रहा, कोई हमारे यहाँ 12 साल रहा, और ये वो लोग थे जिनका हमसे कोई खून का रिश्ता नहीं था। उनके सामने हमें जबान यानी लब कुशाई की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन वो गुफ्तगू को इतना आसान बना दिया करते थे, ऐसी बेतकल्लुफी की फ़ज़ा कायम करते थे जिससे कि सारी यानी कि एक तरह से स्टूडेंट का और उस्ताद के दरमियान का वो फ़र्क ख़त्म कर देते थे। उर्दू ज़बान से उन्हें वालेहाना मोहब्बत थी। इस मोहब्बत को उन्होंने अपनी आइंदा नस्लों में भी मुंतकिल कर दिया। उनके बेटे उर्दू की आबियारी में मशगूल हैं। मुजफ्फ़र हनफी जदीद उर्दू गज़ल का एक मोतबर नाम है। ज़बान व बयान पर उन्हें बला की कुदरत हासिल थी। उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर मौक़र अदबी रिसाले में उनकी गज़लें शाये हुआ करती थीं। मुशायरों में उनकी शिरकत दीगर शोरा को अपना गिरवीदा बना लेती थी। गालिब व मीर की सरमाया गज़ल के जानिसार महाफिज हज़रत मुजफ्फर हनफ़ी मसनद सदारत पर जलवा अफरोज़ हैं। हज़रत मुजफ्फर हनफ़ी का इस्तक़बाल मैं इस मतले से करता हूँ कि जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, रिंदों को वहाँ फिर भी तसल्ली है कि तुम हो। डॉक्टर मुजफ्फर हनफ़ी। सैलाबों को शह देने में, तूफ़ान को उकसाने में कितने हाथों की साजिश है एक दीवार गिराने में। उर्दू के अदबी उफ़क़ पर अपने अनमिट नक़ूस छोड़ने वाले इस क़लमकार ने 10 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में इस दार फ़ानी को अलविदा कह दिया। प्रोफेसर मुजफ्फर हनफ़ी की शख्सियत का अहाता चंद अल्फाज में करना एक मुश्किल अम्र है। उनके कारनामों को समेटना मुमकिन नहीं। ऐसे बहुत कम क़लमकार होते हैं जिन्हें मुख्तलिफ असनाफ़ अदब पर अबूर हासिल होता है। वो जिस मैदान में भी जाएं अपनी इनफरादियत और इम्तियाज़ को बरकरार रखते हैं। प्रोफेसर मुजफ्फर हनफ़ी इन्हीं चंद लोगों में शुमार किए जा सकते हैं।